प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार 17 अप्रैल को झारखंड जमीन घोटाला मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ने तिर्की के अलावा प्रियरंजन सहाय, रियल एस्टेट कारोबारी विपिन सिंह एवं इरशाद को अरेस्ट किया है। उनके ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की गई, जिसके बाद उन्हें देर रात रांची स्थित ईडी कार्यालय लाया गया और बाद में गिरफ्तार किया गया। जमीन घोटाले मामले में जांच एजेंसी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जनवरी में गिरफ्तार किया था। ईडी सोरेन के खिलाफ रांची में 8.86 एकड़ जमीन हासिल करने में जुड़े मामले की जांच कर रही है। ईडी का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अवैध रूप से जमीन को अपने नाम करवाया है। इस केस में कई नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कई मामलों में जांच एजेंसी ने पूछताछ के बाद लोगों को गिरफ्तार भी किया है।